डिजिटल अरेस्ट एक नया फ्रॉड है जहां धोखेबाज पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी का छद्म रूप धारण करके लोगों को धोखा देते हैं। ये धोखेबाज अक्सर फोन, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करते हैं, यह दावा करते हुए कि वे साइबर अपराध के लिए जांच के अधीन हैं। वे पीड़ितों को जुर्माना देने या व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए दबाव डालने के लिए नकली गिरफ्तारी वारंट या तत्काल हिरासत के खतरों जैसे भय रणनीति का उपयोग करते हैं। भारत में यह घोटाला आम तौर पर तीन चरणों में सामने आता है। प्रारंभिक संपर्क, घोटालेबाज पीड़ित से संपर्क करता है, पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी के रूप में पेश आता है और दावा करता है कि पीड़ित की डिजिटल गतिविधियों की जांच की जा रही है। धमकी और डराना, आपातकाल की भावना पैदा करने के लिए पीड़ित को तुरंत आदेश न पालन करने के स्थिति में घोटालेबाज गिरफ्तारी या गंभीर कानूनी परिणामों की धमकी देता है। भुगतान की मांग, मामले को सुलझाने के लिए अक्सर अप्राप्य तरीकों के माध्यम से जैसे उपहार कार्ड, बैंक ट्रांसफर या क्रिप्टोकरेंसी से पीड़ित को पैसे स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से सुरक्षित रहने के लिए निम्न सुझावों पर अमल करें। कॉलर की पुष्टि करें, यदि आपको ऐसा कॉल आता है तो कॉल काट दें और दावों की पुष्टि के लिए सीधे संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें, जैसे कि स्थानीय पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल। व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, कभी भी संवेदनशील जानकारी प्रदान न करें या अवांछित अनुरोधों के लिए भुगतान न करें। सूचित रहें, आम घोटालेबाज रणनीति के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें ताकि पीड़ित होने से बचा जा सके। याद रखें, भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस प्रकार से काम नहीं करती हैं। हमेशा सत्यापित करें और सतर्क रहें। अपने और अपने प्रियजनों को इस घोटाले से सुरक्षित रखें।